बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए श्यावर राम चंद्र भगवान की। तो आइए भक्तों, आज मैं हनुमान जी महाराज की एक बहुत ही रोचक कथा आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। हनुमान जी महाराज हर पल भगवान श्री राम के कार्य में व्यस्त रहते थे, हर पल भगवान श्री राम की सेवा करते थे। एक दिन सीता मैया के मन में विचार आया कि हनुमान जी महाराज दिन रात भगवान श्री राम की सेवा करते हैं, क्यों ना एक दिन हनुमान जी महाराज को मैं अपने हाथों से भोजन कराऊं और हनुमान जी महाराज को माता सीता भोजन का निमंत्रण देती है। और हनुमान जी महाराज सीता मैया के निमंत्रण पर बैठ जाते हैं भोजन करने के लिए, और फिर क्या होता है सुनिएगा। सुनाता हूँ मैं किस्सा पवन पुत्र हनुमान का, मात्या ने दिया निमंत्रण भोजन का जलपान का। सुनो सुनाता हूँ मैं किस्सा पवन पुत्र हनुमान का, सुनो सुनाता हूँ मैं किस्सा पवन पुत्र हनुमान का। बोलिए श्यावर राम चंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। सीता मैया ने हनुमान जी महाराज को अपने घर पर भोजन का निमंत्रण दे दिया, और इतना स्वादिष्ट भोजन और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है भोजन से, हनुमान जी महाराज को जैसे ही भोजन परोसा गया, श्री राम का नाम लेकर भोजन करने के लिए हनुमान जी महाराज बैठ जाते हैं, और फिर क्या होता है सुनिएगा। एक दिन सीता माता ने हनुमत को घर पे बुलाया है, सारा भोजन सीता माँ ने निज हाथों से बनाया है। बैठ गए थाली पे हनुमत लेके नाम श्री राम का। सुनो सुनाऊं किस्सा तुमको पवन पुत्र हनुमान का। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए सीता मैया की। सीता मैया ने 36 प्रकार के व्यंजन भोजन में बनाए, और हनुमान जी महाराज एक एक व्यंजन का बड़ा ही आनंद ले रहे हैं। और सीता मैया ने जैसे ही एक एक व्यंजन हनुमान जी महाराज के सामने रखे, हनुमान जी महाराज हर व्यंजन को चट करते गए। सीता मैया रसोई में जा रही है हनुमान जी महाराज के लिए, कभी सीता मैया रसोई में जाए, कभी हनुमान जी महाराज के पास आए। हनुमान जी महाराज को इस प्रकार खाते हुए देखकर सीता मैया का सिर चकरा गया कि अब क्या करूं। सीता मैया सोच रही है कि मेरे पास तो अब हनुमान जी महाराज को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। देखिए क्या हाल है और क्या माजरा है, बड़ा ही सुंदर दृश्य। और आप भी भक्तों आनंद ले रहे होंगे शायद इस बात का और इस किस्से का। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसा भोजन सुन लो माता मैंने कभी नहीं खाया है, जितने भी व्यंजन है बनाए सबका किया सफाया है। आया पसीना सीता माँ को काम नहीं विश्राम का। आओ सुनाता हूँ मैं किस्सा पवन पुत्र हनुमान का।
बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोली हनुमान जी महाराज की, सीता मैया की। एक एक थाली को हनुमान जी महाराज ने चट कर दिया, अब रसोई में कुछ भी नहीं बचा है। सीता मैया परेशान हो गई। इधर हनुमान जी महाराज सीता मैया को आवाज दे रहे हैं कि मैया जल्दी आओ और मेरे लिए और भोजन लेकर आओ। सीता मैया हैरान होकर भगवान श्री राम के पास दौड़ी दौड़ी जा पहुंची और हनुमान जी महाराज की सारी बातें भगवान श्री राम को बताती है। और क्या होता है सुनिएगा। सीता माने श्री राम को सारी बातें बतलाई, और कहां से भोजन लाऊं बुद्धि मेरी चकराई। करो उपाय कोई आप ही महावीर हनुमान का, आओ सुनाता हूँ मैं किस्सा पवन पुत्र हनुमान का। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। सीता मैया चकरा गई हनुमान जी महाराज को ऐसे खाना खाते देखकर, और मैया दौड़ी दौड़ी भगवान श्री राम के पास पहुंचती है और सारी बातें भगवान श्री राम को बताती है। सीता मैया की बातें सुनकर भगवान श्री राम बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं और सीता मैया को एक उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय बता रहे हैं सुनिएगा। श्री राम सिया को युक्ति एक बताई है, एक तुलसी का पत्ता खिला दो बोले यूं रघुराई है। तुलसी का पत्ता खाते ही पेट भरा हनुमान का, आओ सुनाता हूँ मैं किस्सा पवन पुत्र हनुमान का। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। प्रभु श्री राम हंसते हुए सीता मैया को एक तुलसी का पत्ता देते हैं और सीता मैया से कहा कि ये तुलसी का पत्ता हनुमान जी को खिला दो। तुलसी का पत्ता खाते ही हनुमान जी महाराज की भूख शांत हो जाती है। और तुलसी की महिमा का प्रभु ने कैसे बखान किया है सुनिएगा। श्री राम ने हमें बताई है, तुलसी को मत पौधा समझो सब रोगों की दवाई है। तास सिकंदर महिमा गाता ध्यान धरे श्री राम का, आओ सुनाता हूँ मैं किस्सा पवन पुत्र हनुमान का। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोली हनुमान जी महाराज की। तो भक्तों, बहुत ही प्यारा प्रसंग और बहुत ही चुटीला प्रसंग आपने सुना, लेकिन इसको आप चुटीला न समझकर इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है उसकी तरफ ध्यान देना है कि प्रभु श्री राम ने तुलसी की महिमा बताई है कि तुलसी कोई पौधा नहीं है, तुलसी तो 100 रोगों की औषधि है और ये हमारी पूजा में भी काम आती है। तो हर घर में एक तुलसी का पौधा होना अति अनिवार्य है और तुलसी का पौधा भगवान को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। बोली शंकर भगवान की, बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोली हनुमान जी महाराज की।